राष्ट्रीय योगी सेना जिंदाबाद। मुरादाबाद के थाना भगतपुर पुलिस द्वारा योगी सेना के कार्यकर्ताओं की पिटाई का एक वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है। योगी सेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आज पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उच्च अधिकारियों को एक शिकायती पत्र सौंपा और थाने में तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उनके साथ की गई बहरहमी से पिटाई के सबूत भी कैमरों के सामने दिखाए। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि गांव के एक मामूली झगड़े की शिकायत दर्ज कराने के लिए वो लोग थाना भगतपुर पहुंचे, जहां पर मौजूद दरोगा और अन्य पुलिस कर्मियों ने भगवा गमछा पहने कई कार्यकर्ताओं की बड़ी बहरहमी से पिटाई की, जिसका एक वीडियो उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी दिया गया है। घटना 2 दिन पूर्व की है। पीड़ित कार्यकर्ताओं ने भगतपुर पुलिस पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले पर एसपी देहात जांच कराते हुए कार्यवाही की बात कह रहे हैं। मेरा नाम प्रभुजोत सिंह बग्गा, राष्ट्रीय योगी सेना का जिला अध्यक्ष मुरादाबाद हूँ मैं। किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, किसके खिलाफ किया जा रहा है? परसों योगी सेना के कुछ कार्यकर्ता भगतपुर थाने के गांव में रहते हैं, वहां पर उनका मामूली सा विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने 2 नंबर पे फ़ोन किया था। 2 नंबर पे फ़ोन करने के बाद जब पुलिस वहाँ पहुँची तो दोनों को पार्टियों को थाने बुलाने की जगह राष्ट्रीय योगी सेना के जो कार्यकर्ता थे उनको उन्होंने पकड़ा और थाने में ले गए। और दूसरी पार्टी की तरफ से शराब और पैसा मिलने के चक्कर में उन्होंने दटके दारू पी और कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरह मारा, पटों से, डंडों से, मुंह पे कपड़ा बांध के मारा गया, जिसकी हम पे वीडियो ऑडियो सारी हमारे पास है। और उसके बाद जो भी उनके हिमायत में गया उन्होंने सबको उनको मारा। और जब हम पहुँचे हैं यहाँ से मुरादाबाद से तो उन्होंने हमारे साथ भी असुर व्यवहार किया और दबाव बनाने की कोशिश करी, लेकिन जब हमने ट्वीट करने का काम शुरू करे और वीडियो बनाना शुरू करी तो वहाँ के एसपी साहब ने सॉरी बोला कि मैं नहीं था, इनसे शराब के नशे में ये हो गया है, इसकी मैं गलती मानता हूँ और इनकी रिपोर्ट बना के मैं जूनता सुबह प्रशासन को भेजूँगा। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज एसएसपी साहब पे थाना भगतपुर के जिन जिन लोगों ने ये गलत व्यवहार करा है उसकी जाँच के लिए और उनको सस्पेंड करने के लिए आज ये प्रदर्शन किया जाए। किसको, कौन से अधिकारी को ज्ञापन देंगे? ये एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। क्या क्या मांग करेंगे इसमें? इसमें यही मांग करा गया है कि जो इतनी बुरी तरह बेरहमी से, जो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि पटों से और डंडों से मुंह पे कपड़ा बांध कर इतनी बुरी तरह मारा जाए, इसकी वजह से कि ये सिर्फ अगर कोई बात थी तो 151 लगा के उनको पेश करते, ना कि तो बुरी तरह रात भर मारा जाए। कितने लोग थे जिनके साथ मारपीट की गई है? 2 लड़कों को तो इन्होंने अंदर लॉकअप में बंद कर दिया था, बाकी जितने 10-12 लड़के हिमायत में गए थे सबको बुरी तरह मारा गया, सबके पैरों पे, हाथों पे चोटें हैं। वो दो जिनको बंद किया था उनके नाम? एक गोविंद है जिसके मारपीट हुई है, जिसके पटों के ऊपर एक शंकर है। अच्छा, जो पुलिसकर्मी थे उनके क्या क्या नाम है? उनमें एक दरोगा जी मलिक जी हैं, सुधीर मलिक, और एक कोई सिपाही हैं लंबे से जिन्होंने बहुत बुरी तरह पी रखी थी, जो सबसे बदतमीजी कर रहे हैं। हम थाने गए थे एप्लीकेशन देने राष्ट्रीय योगी सेना की तरफ से, 10-12 लड़के थे हम। अब वो ले जाके उन्होंने बुलाया, सुधीर जो मलिक हैं उन्होंने अंदर ले जाके हमें बंद कर दिया सबको, ठाठा कर ले गए सबको, और अंगोछा बांध रखा था, मूसा बांध बांध के पटे मार रखे थे, दावा का मारा हम मने भी कर रहे थे, कोई भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जब रोल लगे हम और सूझ के सारे हाथ पैर कमरे में फेंक दिया अलग अलग ले जाकर सब, फिर हमारा दोबारा उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं और हमारा भगवे सारे फेंक दिया, अंगोचे जितने थे सबके, और दबा के मारा। मैं तो क्यों मारा, क्या वजह थी? वजह थी ये कि हम एप्लीकेशन देने गए थे थाने में, एक थोड़ा सा मतलब झगड़ा हो गया था दूसरे पार्टी वालों का उनके दबाव में, और उन्होंने जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने पैसा ले रखा है। अच्छा, और सबने पी रखी थी दवा का मारा हमें। तो आज कहाँ पाए आप लोग? हम एसएसपी ऑफिस में आए हैं कार्यालय में। जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, इस वीडियो की जांच की जा रही है और इसकी जांच क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।